दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही महान तेज गेंदबाजों की धरती रहा है। चाहे वो 70-80 के दशक में आग उगलते जैक थॉम्सन हो, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले 100 मील की गति पार की थी, या फिर ग्लेन मैक्ग्रा, जिनकी सटीकता इतनी घातक थी कि बल्लेबाज उनकी लाइन लेंथ में फंसकर एक रन के लिए भी तरसते थे। फिर आए रफ्तार के सौदागर ब्रैटली, जिन्होंने 150-160 की गति पर कमाल की स्विंग पर कई बल्लेबाजों की बखियां तोड़ी। मगर इन दिग्गजों के संन्यास के बाद लगभग हर बल्लेबाज ने सोचा कि अब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी में ना ही वो चाबुकता बची है और ना ही अब उन्हें किसी खोखार गेंदबाज का सामना करना होगा। मगर तभी एक तेज गेंदबाज उठ खड़ा हुआ और बोला, रुको जरा, सबर करो। और यहीं से कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की नई पीढ़ी की पेस बैटरी 2.0 की। वो गेंदबाज जिसने अपनी टेक ऑफ करती एक्सप्रेस गति वाली तीखी बाउंसरों से बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया, और उनका खौफ इतना था कि एक खिलाड़ी उनके कारण डिप्रेशन में चला गया और क्रिकेट में कभी लौट कर ही नहीं आया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व के महान बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में शुमार मिचेल जॉनसन की, जो बल्लेबाजों के लिए एक नाइटमेयर थे। लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये दिग्गज एक वक्त क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहता था। आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, साथ ही एक नजर डालेंगे उनके क्रिकेटिंग सफर और रिकॉर्ड्स पर। मिचेल जॉनसन का जन्म 2 नवंबर 1981 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में केविन और विकी हार्पर जॉनसन के घर हुआ। जॉनसन बचपन से ही टेनिस में काफी रुचि रखते थे और बड़े होकर अपने आदर्श पीटर सम्प्रास की तरह ही बनना चाहते थे। वे टेनिस के काफी शानदार खिलाड़ी थे और आगे चलकर टेनिस में ही करियर बनाने को अग्रसर थे। 14 साल की उम्र में उनके पास ब्रिस्बेन टेनिस एकेडमी से उन्हें एक ऑफर आया, परंतु किसी कारणवश वे इसे कबूल नहीं कर सके और आखिरकार 17 वर्ष की आयु में उन्होंने टेनिस प्लेयर बनने का विचार अपने हृदय से त्याग दिया। अब उनका पूरा ध्यान एक क्रिकेटर बनने पर था और तेज गेंदबाज बनने के लिए ब्रिस्बेन जाकर ट्रेनिंग ली। एक बार एकेडमी में डेनिस लेली ने उन्हें तेज गेंदबाजी करते देखा और उन्होंने अपनी पारखी नजर से उनके नेचुरल टैलेंट को परख लिया। कहीं ये प्रतिभा व्यर्थ ही न चली जाए, इस बात का भी ख्याल करते उन्होंने जॉनसन को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अकादमी ज्वाइन करने की सलाह दी। और तो और, वहाँ के हेड कोच रोड मार्श से बात कर वहाँ का सारा प्रबंध भी करा दिया। यहाँ पर इस हीरे को और तराशा गया और उनकी गेंदबाजी में भी काफी निखार आया। अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर उनका चयन 2000 में होने वाले अंडर-19 विश्व कप की ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुआ, मगर दुर्भाग्यवश चोटिल होकर अधिक मैच नहीं खेल पाए। अगले ही साल उन्होंने क्वींसलैंड की टीम से खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी करियर में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ धाकड़ाघाज किया। उनका प्रदर्शन तो जबरदस्त था, मगर चोटों की समस्या शुरू से ही उनके करियर की सबसे बड़ी बाधा रही। वे कुछ ही मुकाबले खेलते और फिर चोटिल हो जाते। यही कारण था कि क्वींसलैंड की टीम ने उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया और अब उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने टीम में वापसी करने के लिए काफी संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और कमाई का कोई साधन न होने के चलते उन्हें वैन भी चलानी पड़ी। एक दिन का कठिन परिश्रम रंग लाया और उन्हें टीम में दोबारा जगह मिली। साथ ही उन्होंने ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी पूरा किया और कमाल का प्रदर्शन करने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सीनियर टीम में स्थान मिला। 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख अपना पहला ओडीआई खेला, मगर इस मैच में उनकी खूब पिटाई हुई और उनके हाथ कोई सफलता भी नहीं आई। परिणाम स्वरूप उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। बड़े मंच पर अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत दिखाने को बेताब जॉनसन को अब दरकार थी तो एक और मौके की, जो उन्हें अगले साल DLF कप में मिला, जहां भारत के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में महज 11 रन देकर 4 विकेट झटक कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी की बदौलत उनका चयन 2006 की एसेज में तो हुआ, लेकिन वो पूरी सीरीज में महज 12th मैन बनकर रह गए। उनकी गेंदबाजी में तो कोई खोट नहीं था और ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं थी। कारण साफ था, एक ऐसी टीम जिसमें ग्लेन मैकग्रा, ब्रैटली, जेसन गिलेस्पी और शॉन टेट जैसे दिग्गजों से सजी धाकड़ पेस बैटरी हो, उस स्क्वाड में ही जगह बनाना अपने आप में एक उपलब्धि है। मगर उन्हें अधिक मौके न मिलना थोड़ा दुखद तो था, पर लाजमी भी। वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे और किसी चोटिल या आराम दिए जाने वाले प्रमुख गेंदबाज के स्थान को पूरा करते। यही कारण था कि अपने टेस्ट डेब्यू तक उन्हें मैकग्रा के रिटायरमेंट का इंतजार करना पड़ा और 2007 में उन्हीं के हाथों कैप पाकर इस कंगारू खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला, जहां उन्होंने 4 विकेट झटक अपने टेस्ट करियर की कमाल की शुरुआत की। इसके बाद भारत के खिलाफ ODI सीरीज के 5वें मैच में अपनी तेज तर्रार और घातक लहराती गेंदों से उन्होंने महज 26 रन देकर 5 विकेट झटक भारतीय बैटिंग की कमर तोड़ दी। वहीं भारत के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उन्होंने अपना पहला अर्धशतक जड़ा। अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी कमाल कर दिखाया और मात्र 12 रन देकर 7 विकेट निकाले। भले ही ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार गया, मगर जॉनसन ने 8 विकेट झटके। अगले साल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने गजब की 96 रनों की पारी खेली, जिसके दौरान पॉल हैरिस के एक ओवर में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जड़ 26 रन लूटे।
इसी दौरान उन्होंने किसी भी ऑस्ट्रेलियन द्वारा टेस्ट मैच के एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। साथ ही गेंद से भी 8 विकेट निकाले, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सीरीज में उन्होंने गेंद से एक नया हथियार भी ईजाद किया, जो कि था दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करती इन स्विंग गेंदें, जिस पर उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। अगले मुकाबले में उन्होंने अपनी बुलेट रफ्तार की गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रैम स्मिथ की कोहनी तोड़ दी। उनके अलावा जैक कैलिस को भी उन्होंने रिटायर हर्ट होने पर मजबूर कर दिया। अगले मैच में उन्होंने मात्र 66 गेंदों में 123 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट शतक ठोक डाला। भले ही ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया, मगर जॉनसन 250 रन और 16 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज बने। अब जॉनसन ऑस्ट्रेलियन टीम का एक अभिन्न अंग बन चुके थे, मगर ऐसे श्रृंखला में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और ना ही उतने कारगर साबित हुए, जिसके चलते उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। परंतु इस चैंपियन बॉलर ने दोबारा वापसी की और 63 विकेट लेकर 2009 के सर्वाधिक विकेट टेकर बने। वे एक साल में 300 रन और 30 विकेट का कारनामा करने वाले पहले कंगारू खिलाड़ी बने। 2010-11 की एशेज में भले ही उन्होंने 15 विकेट लिए, परंतु उन्हें काफी रन पड़े और बर्मी आर्मी द्वारा पहली बार ट्रोल किए जाने पर उनका मनोबल काफी गिर गया था। हालांकि बाद में वे पांव में चोट के चलते कुछ समय टीम से बाहर हो गए, परंतु हर बार की तरह उन्होंने धाकड़ वापसी की, जहां 2012 में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपने हरफन मौला खेल के दम पर मैन ऑफ द मैच रहे और अगले मैच में वॉटसन के चोटिल होने पर उन्हें बतौर ऑलराउंडर खेलना पड़ा। एक मोड़ उनके करियर में ऐसा भी आया जब कप्तान क्लार्क की सहमति से वॉटसन और पैटिसन के अलावा उन्हें भी अनुशासन भंग करने के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। टीम से लगभग एक साल बाहर होने के बाद टेस्ट टीम में जॉनसन का चयन 2013-14 में होने वाली एशेज श्रृंखला में हुआ। ये वही सीरीज थी जिसमें विश्व भर ने जॉनसन का रौद्र रूप देखा और इंग्लिश बल्लेबाजों के मन में जॉनसन के प्रति दहशत बढ़ गई। उनका हुनर, उनका टैलेंट मानो इस दौरान पीक पर था, तो खूब बढ़ चढ़ कर बोला। पहले ही मैच में उन्होंने पहले 64 रन बनाए और फिर तेज तर्रार गेंदों से 9 विकेट लेकर इंग्लैंड बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ने लगी, वे और खोखार होते गए। अगले मुकाबले में उन्होंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। 150 से भी अधिक की गति पर लगातार गेंदबाजी करते जॉनसन ने 7 विकेट चटकाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से जिताई और बार्मी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी तूफानी बाउंसर, रिवर्स स्विंग और तेज रफ्तार का किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। इस श्रृंखला में वे 37 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज बने। इसके अलावा वे तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच भी रहे, मगर इस श्रृंखला में एमसीजी मुकाबले के दौरान केविन पीटरसन और जॉनसन के बीच काफी बहस हो गई थी। जब बार बार पीटरसन स्टेंस लेकर पीछे हट रहे थे, तो गुस्से में जॉनसन ने गेंद फेंक दी थी। दरअसल उनके रिश्ते काफी समय से कड़वाहट भरे थे। 2009 में ही इस द्वंद की शुरुआत हो गई थी, जब केविन ने उन्हें कुछ अशब्द कहे थे और बात तूतू मैमे से हाथापाई तक जा पहुंची थी और बीच बचाव करने कॉलिंगवुड और स्टुअर्ट क्लार्क को आना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जो दहशत इंग्लैंड के बल्लेबाजों में फैलाई, वो खौफ इस कदर बढ़ गया कि उनकी बाउंसर्स के चलते जोनाथन ट्रॉट डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। साल 2013-14 जॉनसन के करियर का सबसे सुनहरा समय था, जब उन्होंने महज 8 मैचों में 59 विकेट छटकाए, साथ ही अपने करियर की सबसे तेज रफ्तार की गेंद भी डाली और कई बल्लेबाजों को चोटिल कर दिया। अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर वे 2014 में ICC द्वारा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर व क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी चुने गए। साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें एलन बॉर्डर मेडल देकर सम्मानित भी किया। इसी सीजन में 2013 में भारत के साथ हुई रोमांचक एक दिवसीय श्रृंखला में जॉनसन अपनी शॉर्ट पिच गेंदों पर दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह और सुरेश रैना को काफी परेशान किया और उन्हें कई बार आउट भी किया। यहीं से सुरेश रैना की कमजोरी एक्सपोज होकर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसका विश्व भर के गेंदबाजों ने आगे चलकर काफी फायदा उठाया। फिर आया साल 2015 का विश्व कप, जहां जॉनसन और स्टार्क की जोड़ी ने विरोधी टीम को हिलाकर रख दिया। गेंद से महत्वपूर्ण 15 विकेट चटकाने वाले जॉनसन ने तो सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ बल्ले से भी कमाल कर दिखाया और केवल 9 गेंदों में 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बड़ा कर दिया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व कप चैंपियन बना। नवंबर 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलकर उन्होंने केवल 34 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वैसे कहने को तो वे एक पेसर थे, मगर उन्होंने बल्ले से कई उपयोगी पारियां खेली। बेशक वे बतौर टेलेंडर खेले, मगर उनकी बल्लेबाजी पिछले क्रम के बल्लेबाजों से कहीं अच्छी थी। अपने करियर में यादगार लम्हे और मैच जिताऊ उस पल करने वाले जॉनसन के नाम बल्ले से भी कई यादगार पारियां हैं। वे हर तरह की परिस्थिति में बल्लेबाजी करने में सक्षम थे। जॉनसन ने अपने करियर में 73 टेस्ट, 153 ODI और 30 T20 खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 313, 239 और 51 विकेट झटके।
इसके अलावा उनके नाम 5000 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय रन है। उनके नाम टेस्ट में एक शतक भी है। वे एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन रेसिंग ड्राइवर भी है। वे खाली समय में टेनिस खेलना, बाइक रेसिंग करना और वर्कआउट करना काफी पसंद है। इसके अलावा उन्होंने IPL और BBL जैसी लीग में भी शिरकत की। IPL में वो मुंबई, पंजाब और कोलकाता की टीमों से खेल चुके हैं। भारत फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जैसा लाजवाब प्रदर्शन और रुतबा कायम करने में असफल रहे। फिलहाल वो लीजेंड लीग खेल रहे हैं जिसमें वो टीम इंडिया कैपिटल्स का हिस्सा है। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें उनके होटल के कमरे में एक सांप घुस आया था। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट पूरा करने का रिकॉर्ड भी है। तो दोस्तों ये थी कहानी उस समय के सबसे घातक तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन की, जिनका खौफ बल्लेबाज के सर चढ़कर बोला। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।